टायरपोर्ट देगलुनाका पर शमीम अब्दुल्ला हाउस में आदाब कलेक्शन का आगाज़ हो गया है। आदाब कलेक्शन का इफ्तिताह अब्दुल्ला अजीमुद्दीन के हाथों हुआ। इस मौके पर मुफ्ती विखायतुल्ला खासमी ने खैर व बरकत के लिए दुआएं की। इफ्तिताही तकरीब में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों ने खसूसी के तौर पर MLA मोहन हम्बर्डे, कांग्रेस शहर सदर अब्दुल सत्तार, साबिक कांग्रेस कारपोरेटर्स हाफिज अब्दुल हफीज, हाफिज अब्दुल रजाक और दीगर मौजूद थे। आदाब कलेक्शन के प्रोपराइटर आखिद इब्राहिम ने मेहमानान की गुलपोशी की। मेहमानान ने प्रोपराइटर्स को मुबारकबाद पेश की। वाज़े रहे कि आदाब कलेक्शन में ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस एक ही छत के नीचे बआसानी दस्तियाब किए जा रहे हैं। आदाब कलेक्शन में शादी, ब्याह और त्योहारों की मुनासिबत से ड्रेसेस फराहम किए जा रहे हैं। वहीं दुल्हन के तमाम ड्रेसेस डिज़ाइनर लांचा, टेलकट, ब्रांडेड घाघरा और रेगुलर ड्रेसेस भी दस्तियाब हैं। जेंट्स सेक्शन में दुल्हे के लिए ड्रेसेस, कोट, पैंट, रेडीमेड शेरवानी, शेरवानी का कपड़ा और सिलाई की सहूलत भी दस्तियाब है। इस मौके पर अब्दुल हकीमुद्दीन, अब्दुल शमीम अब्दुल्ला, अब्दुल वसीम अब्दुल्ला, अब्दुल लतीफ़ अब्दुल्ला, अब्दुल मुकीम, आतिफ विकास और आदिल इस्माइल ने मेहमानान का इस्तकबाल किया। आदाब कलेक्शन का जो आज एक ज़बरदस्त इनाग्रेशन हुआ है, ओपनिंग समारोह भी है और नांदेड़ का ये जो इलाका है, पुराना सिटी है, यहाँ पर इतनी गुंजान आबादी है और एक इस एरिया को देखते हुए शमी अब्दुल्ला साहब और उनके बच्चों ने, उनकी टीम ने जो निर्णय लिया और इतना बड़ा भव्य शोरूम खोला है 3 माले का, जहाँ पर दुल्हनों के लिए एक से एक ड्रेसेस, साड़ी, लांचा वगैरह है, तो वहीं दुल्हों के लिए सूट, रेडीमेड शेरवानी वगैरह और ये सहूलत भी है साथ में जो सिलवा कर देंगे। लेकिन इसी बीच आज के इस इनाग्रेशन में हमारे नांदेड़ नगरी के दक्षिण के सबसे लोकप्रिय विधायक हैं श्री मोहन हम्बर्डे साहब, वो हमारे बीच आए हैं। मैं कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ। अन्ना जी, इस पुरानी सिटी में आधा आपका वो ये मतदार संघ है और यहाँ पर इतना बड़ा भव्य शोरूम खुला, आप विजिट दिए, आपको कैसा लग रहा है अन्ना जी? आज देगलुनाका के अंदर एक पुराने सिटी में एक छोटे गली में हमारे मित्र नांदेड़ महानगर पर एक माजी उप महापौर शमीम भाई अब्दुल्ला और उनके बेटे, तीनों बेटे, इन्हों में एक अच्छा कपड़े का शोरूम यहाँ खुलने वाला है और मैं इनके तहे दिल से मैं उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ जो ऐसा शोरूम बनाए। जो अभी गए कपड़े के मार्केट में गए तो इतना अच्छा कहीं शोरूम नहीं है। एक बड़े बड़े जगह ऐसा होगा, मैं पहले बोला इनका क्या खानदानी धंधा है क्या, तो खानदानी धंधा है, उन वो 3 पीढ़ियों से खानदानी जिसका धंधा है, 5 पीढ़ियों से जिसका खानदानी धंधा है, वहाँ बहुत चीज़ अच्छी मिलती है। कोई पहला नया नया शोरूम दुकान खोला तो उसको कम ज़्यादा उसको महंगा मिलता, महंगा मिल रहा तो कस्टमर को महंगा बेचता है, मगर जिसका खानदानी बिजनेस है कपड़े का 5 पीढ़ियों से, तो वहाँ माल सस्ता भी आता है और सस्ता बेच भी सकता है और उसको क्वालिटी की समझ रहती है, सब व्यापारियों की समझ रहती है, सब कारखानदारों की समझ रहती है और इतना तजुर्बा दुकानदार आज ये अपने ये छोटे इधर के एरिया में, छोटे एरिया में और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता और वो इन्वेस्टमेंट को अपने भाग के सब लोगों, भाई लोगों ने ये उधर कपड़ा मार्केट में जाने के पहले यहाँ पहले नहीं क्या, उन्होंने सब ने पहले देख लेना कैसा कपड़ा है, क्या नहीं करना और सबसे अपने यहाँ के शोरूम को अपने सब कपड़े लेना और उनका एक एक से शोरूम में, आज ये शोरूम से उनको 3 बेटे ऐसे एक से 3 गलियों में 3 शोरूम खुलने की ऐसी शुभेच्छा देता हूँ और उनका नांदेड़ में इतना बड़ा देगलुनाका में बड़ा शोरूम खुला, एक उनका मैं सब अब्दुल्ला फैमिली का उसका अभिनंदन करता हूँ और उनको शुभेच्छा देता हूँ। ये थे हमारे माननीय विधायक अन्ना जी जिन्होंने शुभेच्छा दी, जिनके मतदार क्षेत्र में ही ये शोरूम खुला है और इसको फाउंडर किया शमी अब्दुल्ला साहब ने। इसी बीच यहाँ काफ़ी सारे मेहमान आए हुए हैं। शमीम भाई जो इसके फाउंडर हैं, मैं उनसे ही पूछने की कोशिश करता हूँ कि शमीम भाई, इस इलाके में ऐसा शोरूम खुलने का आपका ख्याल कहाँ से आया? ख्याल छोटा मोटा था, अल्लाह ने इतना बड़ा बना दिया। मैं शहर के तमाम और ज़िले के मराठवाड़े के लोगों से अपील करूँगा कि एक बार आकर देखें, सबसे सस्ता और अच्छा कपड़ा आपको मिलेगा, लेडीज़ और जेंट्स दूल्हे का भी और दुल्हन का भी, बाकी सभी लोगों का कपड़ा यहाँ पर बेहतरीन मिलेगा। मैं और एक बार अपील करता हूँ पूरे तमाम लोगों से कि एक बार आकर देखें। मैं भी इनकी बात की तायद करता हूँ क्योंकि जिस प्रकार से, जिस अंदाज से ने बताया कि इतना तो इरादा नहीं था, लेकिन जब निकलते गए, कहते ना कि चला था अकेला जानी पे मंजिल, मगर लोग आते कारवा बनता गया। सोच छोटी, सोचा तो ज़रूर था लेकिन मामला बड़ा हो गया और इतना खूबसूरत शोरूम उन्होंने तैयार किया है। मेरी आवाज़ न्यूट्री फूड लाइव चैनल के साथ, मैं आपका एंकर अनवर फारूक की मेरे डायरेक्टर।
قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء او كما قال صلى الله عليه وسلم. बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, सभी के लिए खुशी की बात है कि आज यहाँ पर एक बहुत बड़े शोरूम का इफ्तिताह किया गया है जिसका नाम गालिबन आदा, और यहाँ पर जो चीज़ का इफ्तिताह किया गया है वो एक है कपड़ा, लिबास। लिबास इंसान की ज़रूरत है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक तआला ने इसका ज़िक्र फरमाया, अहादीस पाक में इसका ज़िक्र फरमाया गया, और ये भी कहा गया कि वह लिबास तक़वा खैर, बेहतरीन लिबास तक़वा है, यानी अल्लाह तबारक तआला से डरना। तो लिबास ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से सर्दी गर्मी से बचाव भी हो सके, जो आरामदेह भी रहे, और इसी तरीके से हमारे लिए जीनत का बाइस हो, जिसका तस्करा कुरान करीम में किया गया है। तिजारत जब की जाए तो इस नीयत से की जाए कि जो कुछ मुझे पैसा हासिल होगा मैं इसको अपने आप पर, अपने वालिदैन पर, भाई बहनों पर, अल्लाह के नेक बंदों पर, नेक काम में खर्च करूँगा, ये नीयत। और फिर एक सहूलत ये भी है इस कलेक्शन से ख़रीदी करने वालों के लिए कि वो अगर ख़रीदी कर लेते हैं और फिर किसी चीज़ का वापस करना होता है तो वसीम साहब बता रहे थे कि उनको वो चीज़ वापस ले ली जाएगी और उनकी कीमत उनको वापस कर दी जाएगी। तो ये एक इस्लामी तरीक़ा है तिजारत का, अल्लाह ताला इसको खूब अपनी मदद से चलाए और हर तरह के शुरूर से, फितन से, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कपड़े का तिजारत जो भी है हमारे ख़ानदानों से, पुरखों से है। शेख इमामुद्दीन साहब 150 साल पहले कपड़े का कारोबार करते थे, उनके फर्जन अजीमुद्दीन साहब वो कपड़े का कारोबार करते थे, अजीमुद्दीन साहब के फर्जन अब्दुल्ला अजीमुद्दीन वो कपड़े का कारोबार करते थे, उसके बाद अब्दुल शमीम अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब के फर्जन वो कपड़े का कारोबार करते थे, अब्दुल शमीम अब्दुल्ला के बाद अब मोहम्मद आकिद इब्राहिम अब वो कारोबार कर रहे हैं। ये नई दुकान की इफ्तिताह उन्हीं की है, तो दुआ की जायज़ा लीजिए, आप मुतमईन होने के बाद ही कपड़ा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वैरायटीज़ हैं, आपको जो मार्केट में जो नए अवेलेबल है वही माल हमने आज यहाँ पर लाया है। हमारे बड़े भाई आकिद इब्राहिम वो इस शॉप के प्रोप्राइडर हैं, उन्होंने यहाँ का सारा मैनेज उन्हों ही करने वाले हैं, और बहुत सारी वैरायटी है। आप लोगों से मैं नांदेड़ के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि नांदेड़ में जो लोग हैदराबाद जाकर कोट शेरवानी जो भी सिला रहे हैं उसी लिए हमने यहाँ पर जो अच्छा बेहतरीन आदाब कलेक्शन का इफ्तिताह किया है। बहुत अच्छे शेरवानी है, बहुत अच्छे कोट है, आप एक बार आइए विज़िट कीजिए, बहुत अच्छी वैरायटीज़ है और लेडीज़ की भी बहुत बेहतरीन वैरायटीज़ है, आप आइए। मैं नांदेड़ के सारे लोगों से अपील करता हूँ कि एक बार आदाब कलेक्शन पर आइए और अपना बहुत वक्त यहाँ पे दीजिए, क्योंकि बोले तो यहाँ पर एकदम चीप रेट है, सबसे कम है मार्केट में जो रेट है, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के रेट से ही सबसे कम रेट यहाँ पर इंशाल्लाह हम तुमको देंगे, और एक्सचेंज होगा, सब होगा, कोई टेंशन की बात नहीं, हर चीज़ की गारंटी है। खुदा हाफिज़, दुआ में याद।